ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, आपको उस सिस्टम की क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जिसमें सिर्फ दो चार्जेस है, फिर हम लोग मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम पे आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब देखिए, हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कितने चार्जेस होंगे, जिसमें सिर्फ दो चार्जेस होंगे। अब ये सिस्टम बनाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन ही तो स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि दो चार्जेस के सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन की कैलकुलेशन करते ही आप बोल दोगे कि यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के आते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q1। ये अभी इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी पर है तो मतलब अभी ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी पर है और यहाँ पर इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो मैं इस चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ लेकर के आता हूँ, यहाँ से यहाँ लेकर के आता हूँ, तो इसमें वर्क डन कितना होगा, तो आंसर है वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि आप यहाँ वहां से इसको यहाँ ला रहे हैं, तो ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था और ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों ही जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन दिखाया नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप इस Q1 चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आओगे, तो वर्क डन इन डूइंग दिस इज जीरो। वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले हम एक चार्ज को लेकर के आए हैं और इस चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहां पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो यहां पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। सो हियर आई विल राइट वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 from infinity to a point where electric field is absent, where electric field is absent. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर जहां पर हम इसको लेकर के आए हैं। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा, फर्स्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो मैं इसको W1 से लिख रहा हूं, तो W1 आ गया जीरो। तो अभी इस सिस्टम के पास, अभी इस चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं है, वर्क डन ही जीरो है, तो कोई एनर्जी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे चार्ज को यहाँ लेकर के आते हैं। अब दूसरे चार्ज को आप इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आओगे, तो उस समय ये चार्ज तो उसको रिपेल कर सकता है ना, सेकेंड चार्ज को। तो बेसिकली अब ये चार्ज यहाँ पर पड़ा है, तो इसके चारों तरफ इसका क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरह से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर के आते हैं, और ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, R12 डिस्टेंस पर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक सेकेंड टेस्ट पॉइंट चार्ज पड़ा था, ये जो पॉइंट चार्ज है ये अभी इंफिनिटी पर है, अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो मैं इस चार्ज को उठा करके लाता हूँ और इसको इस पॉइंट तक लेकर के आता हूँ, दिस पॉइंट। तो Q2 चार्ज को R12 पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक लेकर के आने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q1 चार्ज, अब ये सोर्स चार्ज का काम करेगा, तो ये Q1 चार्ज इसको क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये Q2 को इस तरफ आने नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड वी विल अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो आपको ये समझ आना चाहिए। ओके, सो वी आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, एंड हियर दिस इज द सेकेंड चार्ज।
तो हमने क्या किया, इस तरह से ये एक सिस्टम बनाया जिसमें एक पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो Q2 चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आंसर है पोटेंशियल के फॉर्मूला से कर लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वी इंटू क्यू, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां लिखता हूं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू टू फ्रॉम इंफिनिटी एट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी which is at distance R12 from Q1, जो Q1 से R12 डिस्टेंस पर है, ये P पॉइंट है, यहां तक हम इस चार्ज को लेकर के आए हैं इंफिनिटी से P पॉइंट। ओके, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। सेकेंड चार्ज के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं इसको W2 से लिखूंगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके कारण से होगा, तो आंसर है फर्स्ट चार्ज के कारण। ये फर्स्ट चार्ज का पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा नहीं बता सकते, पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, के क्यू अपॉन आर। और ये पोटेंशियल किसके कारण से है, पोटेंशियल इस चार्ज के कारण है Q1 के कारण। तो Q1 के कारण पोटेंशियल बन रहा है पी पॉइंट पर, तो यहाँ आएगा चार्ज Q1 और डिस्टेंस कितनी है पी पॉइंट की, R12 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द Q1 पॉइंट टू पी, Q1 और पी के बीच की डिस्टेंस है R12। सो दिस इज द पोटेंशियल विच इज क्रिएटेड बाय द चार्ज Q1 एट द पॉइंट P। तो पोटेंशियल कौन सा लिखेंगे, पोटेंशियल किसके कारण से बन रहा है, फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल है R12 डिस्टेंस पर। और हम क्या कर रहे हैं, इस पोटेंशियल में कौन से चार्ज को मूव करके ला रहे हैं, तो आंसर है Q2 चार्ज को। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ये जनरल फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो मैंने यहाँ लिखा कि पोटेंशियल फर्स्ट चार्ज के कारण है और कौन से चार्ज को लेकर कह रहे हैं इस पोटेंशियल पॉइंट तक, Q2। अब इनकी वैल्यू पुट करो, V1 की वैल्यू क्या आएगी, ये लिखी हुई V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू है के Q1 डिवाइड बाय R12 एंड Q2, ये वैल्यू रखी मैंने V1 की। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना, वर्क डन का फॉर्मूला बना के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ा, तो यहां लिखते हैं द टोटल वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, मेकिंग दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। टोटल वर्क डन को W से लिखेंगे, पहले चार्ज को लेकर के आए थे तो W1 वर्क करना पड़ा, दूसरे चार्ज को लाए तो W2 वर्क करना पड़ा, W1 था 0 क्योंकि फर्स्ट चार्ज को यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन जब दूसरे चार्ज को यहाँ लेकर के आते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, और ये चार्ज इस पर क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको इसको लेकर के आना पड़ेगा यहाँ तक, और इसमें कितना वर्क डन होगा ये कैलकुलेट कर रखे हैं हमने, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। सो दिस वर्क डन वी हैव टू डन, दिस इज द वर्क डन, टोटल वर्क। और ये जो टोटल वर्क डन है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसी वर्क डन को अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, U इज इक्वल टू, ये जीरो को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, सो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। तो अगर दो चार्जेस का सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है और वर्क डन का ये फॉर्मूला है। तो आपको बोला जाता है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा, तब भी यही फॉर्मूला है। और अगर आपको बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ऐसे सिस्टम की, तब भी यही फॉर्मूला है। तो जो वर्क डन की कैलकुलेशन है वही पोटेंशियल एनर्जी।
इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में इतना वर्क डन करना पड़ा और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो आंसर है कि ये तो चार्जेस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये तो चार्जेस पे डिपेंड करेगा ना, कि किस तरह के चार्ज में। अब देखो, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है चार्जेस के बीच में, फिर तो आएगी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फिर आएगी रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी सिस्टम की? पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसके एग्जांपल सुनिए। सबसे पहला, पहला चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, इन दोनों को मिलाकर के हमने एक सिस्टम बनाया। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू को आप प्लस क्यू वन लिखोगे और इसकी वैल्यू को आप लिखोगे माइनस क्यू टू। सो दिस विल बी के प्लस क्यू वन एंड माइनस क्यू टू डिवाइड बाई आर वन टू, ये इनके बीच की डिस्टेंस है आर वन टू। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर वन टू। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो समझ जाना एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिए। अगर एक चार्ज प्लस है और दूसरा भी प्लस है जैसा कि इस केस में था, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है दोनों चार्ज सिमिलर है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्शन फोर्स में जो एनर्जी होती है, रिपल्शन फोर्स के कारण जो एनर्जी स्टोर हम करते हैं, तो ये चार्ज इधर, ये चार्ज क्या नहीं आना चाहेगा, इसके पास में नहीं आना चाहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव हों तो दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो इसको लिखेंगे माइनस क्यू वन, इसको लिखेंगे माइनस क्यू टू। इस केस में भी रिपल्शन फोर्स ही आएगा, रिपल्शन फोर्स आएगा, तो वैल्यू पुट करोगे आप माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाय आर वन टू, एंड दिस इज द पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें जब भी आप चार्जेस की वैल्यू रखोगे तो प्लस माइनस के साथ में रखोगे। जब भी आपको बोला जाएगा कि एक सिस्टम है, इसमें तीन चार्जेस, इसमें पांच चार्जेस है, एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा नेगेटिव है, फिर पांचवा प्लस है, तो आपको सब चार्जेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। तो साइन के साथ करना है, क्यू वन क्यू टू का साइन लिखना है आपको इसमें, क्यू वन क्यू टू का साइन आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस। अभी जनरल फॉर्मूला बन चुके, इसी को यूज करेंगे हम आगे के कैलकुलेशन में। दोबारा से ये नहीं बताएंगे कि हाँ इसके कारण ये पोटेंशियल बनेगा, फिर इस पोटेंशियल तक किसी दूसरे चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस या एन चार्जेस लिख सकते सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अब भैया एक बड़ा सिस्टम बनाना है जिसमें एक चार्ज होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से एन चार्जेस को हम सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा आप देखते जाइए कैसे इसको करना है। सबसे पहली बात, हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेकर के आते हैं, सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये Q1 चार्ज को मैं यहां तक लेकर के आया, तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा? तो आंसर है इसमें होगा जीरो वर्क डन, बिकॉज एट दिस पोजिशन देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाओगे तो ये पॉइंट भी अभी इन्फिनिटी ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। यहाँ पर चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसमें। सो वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज जीरो। अब हम बात करते हैं दूसरे चार्ज को, तो दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं और इस पोजिशन तक लेकर के आ रहे हैं, ये आ गया क्यू टू चार्ज। कितनी, क्या इसकी पोजिशन बताएंगे, कितना डिस्टेंस बताएंगे क्यू वन और क्यू टू में, आर वन टू। तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेट किया था हमने के
Q1, Q2 divide by R12. This is the work done in making the system of two charges. दो चार्जेस का सिस्टम बनाने में ये वर्क डन होगा। अब तीसरे चार्ज को लेकर के आते हैं। तीसरा चार्ज इंफिनिटी से हम इस पोजीशन तक लेकर के आते हैं। दिस इज द पोजीशन। इस पोजीशन तक लेकर के आओगे और ये जो चार्ज है ये है Q3। तो ये इससे कितने डिस्टेंस पर है? R13। ये 1 है और 3 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को R13 से लिख दिया हमने। इसी तरह से ये Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज से ये Q3 कितने डिस्टेंस पर है? तो आंसर है R23 डिस्टेंस पर है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब इस Q3 चार्ज को कितने चार्ज रिपेल करेंगे? तो आंसर है 2 चार्ज रिपेल करने वाले हैं। अगर हम इन सबको पॉजिटिव मानते हैं तो ये Q1 चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं, ये Q2 चार्ज भी इसको रिपेल कर रहे हैं। तो Q3 चार्ज को जब आप इंफिनिटी से यहां तक लेकर के आ रहे थे ना, तब आप 2 रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक इस चार्ज के कारण और एक इस चार्ज के कारण। तो आपको दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। तो यहां पर 2 वर्क आएंगे। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, द वर्क डन इन मूविंग द थर्ड चार्ज एट पॉइंट R13, ये R13 डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट है, यहां तक चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। सबसे पहले इसके अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ा? Q1 के अगेंस्ट। सो हेयर वी विल राइट के Q1 Q3 डिवाइड बाय R13। फिर इस चार्ज के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ा? ये Q3 चार्ज को इसके अगेंस्ट भी तो ला रहे हैं, ये भी तो इसको रिपेल ही कर रहा था, तो इसके अगेंस्ट लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? तो लिखेंगे के Q2 Q3 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस R23। सो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द थर्ड चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अब हम इस सिस्टम में एक और चार्ज लेकर के आते हैं। यहां से इंफिनिटी से एक चार्ज को यहां लेकर के आते हैं और ये जो चार्ज है इस चार्ज को किससे लिख देते हैं हम लोग? इस चार्ज को Q4 से लिख देते हैं। तो 1 से 4 की जो डिस्टेंस है उसको R14 लिख देंगे, 2 से 4 की जो डिस्टेंस है उसको R24 लिख देंगे, और 3 से जो 4 की डिस्टेंस होगी उसको लिख देंगे R24। 24 को हमने यहाँ लिख दिया, दिस इज 24। ओके, अब इस चार्ज को हम इस सिस्टम में लेकर के आए हैं। तो ये Q1 Q2 Q3 तीनों ही बेटे इसको रिपेल कर रहे हैं। तो अब इस चार्ज को यहां तक लाने में हमें और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q1 चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है, Q2 चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है, और Q3 चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है। तो हमें इन तीनों रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर फोर्थ चार्ज को यहां पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? के Q1 Q4 पहले तो फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ा? दिस विल बी रिटन एज R14। फिर दूसरे चार्ज के अगेंस्ट कितना आएगा? Q2 Q4 डिवाइड बाय R24। फिर तीसरे चार्ज के अगेंस्ट कितना करना पड़ा? तो आंसर है Q3 Q4 डिवाइड बाय R34। सो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, फोर्थ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अब इसी तरह से हम इस सिस्टम में एक और चार्ज लेकर के आते हैं, वो है nth चार्ज। वो nth चार्ज इससे कितने डिस्टेंस पर होगा? R1n। दूसरे चार से कितने डिस्टेंस पर होगा? R2n। तीसरे चार से कितने डिस्टेंस पर होगा? R3n। एंड फोर्थ चार से कितने डिस्टेंस पर होगा? R4n। तो n चार्जेस का हमने सिस्टम बना दिया। अब हम लिखते हैं टोटल वर्क। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। वो जो टोटल वर्क डन होगा वही तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो टोटल वर्क डन विल बी रिटन एज W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डैश 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 WN। nth चार्ज को लाने में WN वर्क करना पड़ा। वैल्यूज पुट करो। W1 फर्स्ट चार्ज को यहां तक लेकर के आए थे तो 0 वर्क डन था। W2 की वैल्यू है के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस W3 की। ये दोनों वैल्यूज पुट कीजिए। देखो ये डेरिवेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि ये सिस्टम हमने बनाया और इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में आप इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। बोलोगे कि पहला चार्ज लेकर क्या है, इसमें ये वर्क करना पड़ा। दूसरा चार्ज लाए तो ये वर्क करना पड़ा। तीसरा चार्ज लाए इस सिस्टम में तो ये वर्क डन करना पड़ा। तो इसी तरह के फॉर्मूलाज को आपको लिखना पड़ेगा उसमें। R13
और इसमें एक वर्क डन और होगा Q2 Q3 डिवाइड बाय R2 W4 की वैल्यू पुट करोगे तो ये वर्क डन आ जाएंगे। टोटल देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख देंगे। समेशन लिखने से क्या होगा, ये इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, एक ही लाइन में इसको खत्म कर देंगे। तो देखिए, सो हियर आई विल राइट दिस टर्म एज W इज इक्वल टू, अच्छा इसमें एक ट्रिक और आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या है उसके बारे में सुनना। W इज इक्वल टू कॉमन क्या रहे, कॉमन तो K आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे समेशन। I की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 है, और J की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, I इज नॉट इक्वल टू J। I और J कभी बराबर नहीं है, देख लीजिए। इसकी वैल्यू 1 लिखोगे तो उसकी 2 लिखनी पड़ेगी, या 3 लिखनी पड़ेगी, या 4 लिखनी पड़ेगी, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद में इन दोनों की वैल्यू कहां तक चलेगी, n तक, दोनों ही 1 से स्टार्ट करेंगे और दोनों की वैल्यू n तक चलेगी। एंड हेयर आई विल राइट क्यू आई एंड क्यू जे डिवाइड बाय आर आई जे, ये बना फॉर्मूला। अब देखिए इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और मैं बताता हूँ कि इस फॉर्मूला में क्या कमी है, अभी ये पूरा नहीं हुआ फॉर्मूला। आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जे की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते, दोनों इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, तो जे की वैल्यू हम 2 लिख देते हैं। इसकी वैल्यू 1 लिखी, इसकी वैल्यू 2 लिखी, तो ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, तो फर्स्ट टर्म बन गई। अब इसकी वैल्यू हम लोग 2 लिखते हैं और इसकी वैल्यू को 1 लिखते हैं, तो जब मैं लिखूंगा Q2 Q1 डिवाइड बाय R21, तो एक ही बात नहीं है कि ये Q2, ये Q2 है और ये Q1 है, और इसको हम लोग ऐसा लिख दें R21, तो R12 लिखो या R21 लिखो, इनके बीच की डिस्टेंस तो वही रहेगी। 1 से 2 की तरफ मेजर करो या 2 से 1 की तरफ मेजर करो, एक ही बात है। तो इसमें क्या हुआ, ये वाली टर्म एक बार और रिपीट हुई, सिर्फ ये वाली टर्म दोबारा रिपीट हुई, क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू 2 लिखी तो इसकी वैल्यू 1 लिखी, तो ये Q2 Q1 21 हो गया, R21 हो गया, तो ये टर्म दो बार रिपीट हुई। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, इसकी वैल्यू 1 लिखी, इसकी वैल्यू 3 लिखी, तो यहाँ लिखा जाएगा Q1 Q3 डिवाइड बाय R13। ओके, अब इसके बाद इसकी वैल्यू 3 लिखेंगे और इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, तो हो जाएगा Q3 Q1। देखो आई और जे की दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसकी 1 पुट कर रहे हैं तो इसकी 3 पुट कर लेंगे, उल्टा भी कर सकते हैं, आई की वैल्यू 3 पुट कर दो, जे की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो Q3 Q1 डिवाइड बाय R31, ये टर्म फिर से रिपीट हुई। तो हमने ये फॉर्मूला तो बना दिया, लेकिन एक टर्म दो दो बार रिपीट हो रही है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ का। इसका आंसर जो भी आएगा उसको लास्ट में हाफ कर देंगे, क्योंकि हर एक टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 times रिपीट हो रही है। सो दिस इज द वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, मेकिंग द सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, और ये जो वर्क डन है इसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये चार्जेस जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक इस सिस्टम में एनर्जी रहेगी। अब मान लीजिए ये वाला चार्ज यहाँ से चला गया, हमने इसको रिलीज कर दिया, तो ये सारे चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्स के कारण ये यहाँ से निकल गया, इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो बता सकते हो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, तो आंसर सुनिए। अब ये इसको रिपेल कर रहा था, तो इस सिस्टम का 1 और 3 के सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, Q1 Q3 अपॉन R13, ये इसकी एनर्जी थी। दूसरी एनर्जी किसके कारण से थी, Q2 के कारण से थी, Q2 Q3 डिवाइड बाय R23। तीसरी एनर्जी इस चार्ज के कारण थी, Q3 Q4 डिवाइड बाय R34। और चौथी एनर्जी इस n चार्ज के कारण थी, Q3n डिवाइड बाय Q3 Qn डिवाइड बाय R3n। तो आपने ये सारे वर्क डन निकाले, और इस अगर ये चार्ज इस सिस्टम से चला जाएगा, अगर ये चार्ज इस सिस्टम से चला जाएगा तो इतना वर्क डन, मतलब कि इतनी एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी। तो इस चार्ज के सिस्टम की एनर्जी निकालोगे, इन दोनों के बीच की एनर्जी निकालोगे, इसके बीच की एनर्जी निकालोगे, इसके बीच की एनर्जी निकालोगे, वो फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूला से निकाल लेना, तो टोटल जितना भी आएगा उतनी एनर्जी कम हो जाएगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम आपको दिया होगा, बोलेगा कि सिर्फ इसमें से ये वाला चार्ज बाहर जा रहा है, हम इसको रिलीज कर रहे हैं, ये जा रहा है, बताइए सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है। ऑब्वियसली कम होगी अगर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन है। Now the my question is, system is given in the diagram. In this system, this is the first charge Q1, this is the second charge Q2, and in this system, this is the third charge Q3, and distances are also given between these charges. And here a fourth charge. This charge is Q4. ये Q4 charge है, distances देखिए R12, R13, R23, between these charges and between these charges is R24 and 1 और 4 में कितने distance है R14. So my question is, calculate the decrease in potential energy of the system when Q4 charge will leave the system. अगर ये Q4 चार्ज इस सिस्टम को लीव कर जाएगा, हम इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये सारे चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं, तो ये चार्ज इससे यहाँ से चला जाएगा, तो बताइए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो जाएगी। कैलकुलेट करो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी इस सिस्टम की। देखो तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये Q4 चार्ज को अगर हमने यहाँ रखा हुआ था तो ये 1 चार्ज से इतने डिस्टेंस पर था, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी अगर ये दोनों चार्ज यहाँ पर रखे गए हैं तो। सो इट इज हैविंग डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ओके। सो दिस इज हैविंग Q1 Q4 डिवाइड बाय R14। एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी इस सिस्टम की, दूसरी एनर्जी इसके कारण से थी, जब इस चार्ज को यहाँ लेकर के आए होंगे तो इसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन किया होगा, कितना वर्क डन किया होगा, तो आंसर है Q2 Q4 डिवाइड बाय R24। तीसरा, इस सिस्टम को बनाने में इस चार्ज के अगेंस्ट भी तो कुछ वर्क डन किया होगा, तो इन चार्जेस के बीच में कितने डिस्टेंस है R34। तो इस चार्ज को जब यहाँ लेकर के आए होंगे इन्फिनिटी से, तो इस चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क डन किया होगा, Q3 के अगेंस्ट भी वर्क डन किया होगा, सो दिस विल बी Q3 Q4 divide by R34. So this is the decrease in potential energy. So इतनी potential energy system की कम हो जाएगी अगर कौन सा charge यहाँ से चला जाएगा, Q4 charge को हम release कर देंगे तो वो यहाँ से repel होकर के बाहर निकलेगा और system की इतनी energy को कम कर जाएगा।